हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कीनोट्स होम्योपैथी पे आप सबका स्वागत करता हूँ। ये जो नई सीरीज स्टार्ट की गई है हेल्थ टिप्स एंड पब्लिक अवेयरनेस, इसके पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि हम कैसे एक झोला छाप और डॉक्टर में फ़र्क करेंगे, कैसे हम समझेंगे कौन झोला छाप है कौन डॉक्टर है, डिग्री देख के कैसे पहचानेंगे कौन किस चीज़ का डॉक्टर है और किस तरह की चिकित्सा पद्धति में किस तरह का इलाज होता है। आज हम सेकेंड वीडियो में जो भारत में मुख्य दो चिकित्सा पद्धति जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इलाज के लिए जाते हैं, एलोपैथी और होम्योपैथी, इसमें क्या अंतर है, इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे और कब कौन सी चिकित्सा पद्धति में इलाज कराना चाहिए, कब एलोपैथी चुनना चाहिए और कब होम्योपैथी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को यही नहीं पता है कि कब कौन सी चिकित्सा पद्धति चुनना चाहिए जिसके वजह से उनका जो जमा पूंजी है, स्वास्थ्य, शरीर है, सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले और वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ये स्लाइड पिछले वीडियो का है जो मैं शेयर करना भूल गया था, तो मेन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं इस स्लाइड के बारे में बता देता हूँ कि मैं इसे क्यों शेयर कर रहा हूँ सेकेंड वीडियो में। यहाँ पर देखिए डेटा दिया गया है, मैंने दो जगह का डेटा लिया है, ये सेम टॉपिक से रिलेटेड है, क्वैक डॉक्टर यानी झोला छाप से संबंधित। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड पे इंडिया टुडे में ये बताया गया है कि 57% जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स इंडिया में वो झोला छाप हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसमें से 31% ऐसे हैं जो स्कूल से ज़्यादा पढ़े भी नहीं हैं, मतलब इंटर भी नहीं पढ़े हैं। और राइट हैंड पे आप देखिए यहाँ पे भी डेटा दिया गया है कि जो गाँव देहात में एलोपैथिक दवाएँ दे रहे हैं उनमें 18.8% ही डिग्री वाले हैं, बाकी सब झोला छाप हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं गांव ही नहीं, शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, इवन राजधानी में भी ये लोग खुल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुल के दवाएं दे रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। और वो लोग भी झोला छाप की कैटेगरी में आते हैं जो कि अपनी पद्धति की दवा देने की जगह दूसरी पद्धति की देते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में ये सारा चीज़ बता दिया गया था कि आप कैसे पहचानेंगे इनको, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो पे, एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या अंतर है। लेफ्ट हैंड पे एलोपैथी और राइट हैंड पे होम्योपैथी में कंपेरिजन आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एलोपैथी की जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, वो एमबीबीएस कोर्स होता है, एमबीबीएस डिग्री होती है, उसमें 12 सब्जेक्ट एलाइड के होते हैं जिसमें बीमारी के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है, और एक सब्जेक्ट सिर्फ उनकी दवाओं का होता है जिसमें उनकी दवा देना बताया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में जो बीच में कोर्स है, बीच में डिग्री है, इसमें भी वही 12 सब्जेक्ट पढ़ाए और सिखाए जाते हैं बीमारियों के, लेकिन यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और दवाओं से संबंधित है वो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। यानी होम्योपैथी में टोटल 16 सब्जेक्ट हैं जबकि एलोपैथी में 13 ही सब्जेक्ट हैं, जबकि ड्यूरेशन दोनों डिग्रियों का 5.5 साल 5.5 साल है। एलोपैथी डिग्री में अननेचुरल यानी आर्टिफिशियल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, जबकि होम्योपैथी डिग्री में 100% नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनी होती है। एलोपैथी में डिजीज क्योर होने की कोई गारंटी नहीं है और ना क्योर होता है, उनकी किताब में भी कहीं नहीं लिखा है कि उनकी कोई भी डिजीज क्योर होती है। होम्योपैथी में डिजीज क्योर होती है और ये हमारी किताब में लिखा गया है होम्योपैथी के, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, जितना नया होगा केस उतना ज़्यादा चांस है उसके क्योर होने का, और जितना खराब और पुराना होगा केस उतना कम चांस होता है क्योर होने का। एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स 100% हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है जिसकी साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी दवा आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पूरी लिस्ट निकल जाती है साइड इफ़ेक्ट्स की, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो लिखे गए हैं और कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं लिखे जाते हैं, छिपा दिए जाते हैं। होम्योपैथी की दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों से ये दवाएं बनती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि दोनों डिग्रियों में, दोनों पद्धतियों के इलाज में कितना फ़र्क है।
दोनों पद्धतियों के बीच का बेसिक डिफरेंस इसलिए आपको पहले बताया गया ताकि आप ये समझ सकें कि आपको कब एलोपैथी चुनना है और कब होम्योपैथी चुनना है, क्योंकि यही बेसिक अवेयरनेस ही पब्लिक में नहीं है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि कब एलोपैथी चुनना है और कब होम्योपैथी चुनना है। एलोपैथी तब चुनना है जब जान बचाने की कंडीशन हो। इस तरह की कंडीशन में एलोपैथी चुनना है, जैसे सुसाइडल केस, होम्योपैसाइडल केस, एक्सीडेंटल केस, एनिमल बाइट का केस, एंजाइना, या इस तरह की डिजीज कंडीशन जहाँ जीवन खतरे में है। और सेकंड नंबर पर ऐसे सर्जिकल कंडीशन जहाँ पे जान बचाने के लिए सर्जरी करना ज़रूरी है, चाहे वो बीमारी की कोई कंडीशन हो या रोड एक्सीडेंट या किसी तरह की दुर्घटना का कंडीशन हो। तो एलोपैथी में इन कंडीशंस में जाना है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में सर्जिकल बीमारियों का इलाज नहीं है, सर्जिकल बीमारियों का बहुत बढ़िया इलाज है होम्योपैथी में, और सर्जरी ना करनी पड़े उसके लिए सर्जरी से पहले ही उसको ठीक कर दिया जाता है अगर मरीज समय से सर्जिकल बीमारियों के लिए होम्योपैथी में जाता है। होम्योपैथी एक्यूट बीमारियों के लिए सबसे बेहतर है, क्रॉनिक बीमारियों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है होम्योपैथी इलाज के लिए, क्योंकि इसमें दूसरे पद्धति के भी डॉक्टर आते हैं इलाज कराने। नॉर्मल चाइल्ड डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल सबसे अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन के नाम पे लूट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सर्जरी की ही नहीं जाती है। और होम्योपैथी के इलाज में जीवन काल, जो लाइफ स्पॉन होता है, वो लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होने की वजह से यहाँ पे प्राकृतिक दवाओं से इलाज होता है, जिसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे, और दूसरे ऑर्गन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होने की वजह से जीवन काल अपने आप बढ़ जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब एलोपैथी लेना है, कब होम्योपैथी लेना है। कोई पद्धति ख़राब नहीं होती है, लेकिन सही डिसीजन सही समय पे लेना ज़रूरी है। और एक मिथ है सोसाइटी में, समाज में, कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अफवाह है। होम्योपैथी एलोपैथी जैसे ही तेज काम करती है। अब ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, आपके डॉक्टर के ऊपर, कैसा डॉक्टर आपने चुना, और आप कितनी जल्दी जा रहे हैं होम्योपैथी में, कितना फ्रेश केस है आपका। अब आप 10 जगह घूम के जाएंगे, समय बर्बाद कर देंगे इलाज का, उसके बाद होम्योपैथी में जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तब आप कहेंगे धीरे धीरे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ख़राब पटरी पे बुलेट ट्रेन चलाएंगे तो थोड़ी ना बुलेट ट्रेन चल जाएगी, उसके लिए तो फ्रेश पटरी चाहिए, नई पटरी चाहिए। उसी तरह से इलाज में भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे होम्योपैथी में, उतनी जल्दी उतना तेज़ इलाज होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अपने डॉक्टर से क्रॉनिक बीमारियों में 2-3 महीने में 1% का भी फायदा ना हो, तो आप 3 महीने बाद डॉक्टर बदल दीजिए, जैसे आप एलोपैथी में बदलते हैं अपना डॉक्टर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई दोनों पद्धतियों में अंतर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि दोनों पद्धतियों के इलाज के खर्च में कितना अंतर आता है, एक छोटी बीमारी के इलाज के खर्च में कितना अंतर है, एक बड़ी बीमारी के इलाज के खर्च में कितना अंतर है, और आप सालाना किस पद्धति में कितना पैसा, कितना रुपया बचाते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन के साथ मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैं ये इसी वीडियो में बना चुका था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और वो हिस्सा निकाल दिया, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।